हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स लाइफ। आज हम बायोलॉजी का चैप्टर 6 मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि हमारे एग्जाम में पूछा जा सकता है। इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर 1 से चैप्टर 5 तक के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस को ऑलरेडी देखे हुए हैं। अगर आपने नहीं देखा हुआ होगा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, डिफाइन एफॉरेस्टेशन। तो आंसर हो जाएगा, प्लांटिंग ऑफ ट्रीज इज कॉल्ड एफॉरेस्टेशन। ये 1 मार्क्स में आप लोग का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाई कोल इज कॉल्ड फॉसिल फ्यूल। आंसर हो जाएगा, कोल इज फॉर्म्ड अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स विच आर ब्यूरिड अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ मिलियन ऑफ ईयर्स एगो। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में, डिफाइन रिसाइकलिंग, गिव एग्जाम्पल्स। डिफाइन करना है रिसाइकलिंग को और इसके एग्जाम्पल को भी लिखना है। आंसर हो जाएगा, रिसाइकलिंग इज द एक्ट ऑफ प्रोसेसिंग यूज्ड फॉर अनबैंड फॉर यूज इन क्रिएटिंग न्यू प्रोडक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, यूज ऑफ शॉपिंग बैग्स मेड अप ऑफ जूट विच कैन बी यूज्ड ओवर एंड ओवर अगेन। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज वाटर हार्वेस्टिंग। आंसर हो जाएगा, रेन वाटर कलेक्शन इज द एक्टिविटी ऑफ डायरेक्ट कलेक्शन ऑफ रेन वाटर विच कैन बी स्टोर्ड फॉर डायरेक्ट यूज ऑफ रिचार्ज इन टू ग्राउंड वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन ए रिसोर्स। रिसोर्स को डिफाइन करना है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, रिसोर्स इज ए सोर्स ऑफ सप्लाई हेल्ड इन रिजर्व सो दैट इट कैन बी चेंज्ड इन सच ए वे दैट इट बिकम्स वेयर वैल्यूएबल एंड यूजफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाई इज फ्यूल ऑयल बेटर देन कोल फॉर इंडस्ट्रियल यूज। आंसर हो जाएगा, फ्यूल ऑयल इज ए बेटर देन कोल बिकॉज फ्यूल ऑयल प्रोड्यूसेज लेस अनबर्न पार्टिकल ह्यूमन एज एस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को, क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाई इज वाटर नेसेसरी फॉर लिविंग ऑर्गेनिम्स। लिविंग ऑर्गेनिम्स के लिए वाटर जरूरी क्यों है। आंसर हो जाएगा, importance of water is, number 1, it is necessary for living organisms to carry out their metabolic reaction, number b hai, water is universal solvent, number c, it is used for cleaning, washing, bathing, etc, d number hoga, it help in excretion, aur e number ho jayega, it helps in transportation inside the body. ab aage aate hain question number 8 mein, question number 8 hai ab, What are the reasons for conservation of forest and wildlife? तो answer हो जाएगा, forest and wildlife are very important natural resources. They constitute biodiversity hot spot, that is the place where maximum biodiversity is found. They are important source of timber, firewood, medicines, fruits and many other products. Wildlife is very important in the maintenance of ecosystem. They play important role in maintenance of food chain and food web. They constitute the precious genetic pool. Next question आगे आते हैं, question number 9 में, What is the difference between exhaustible and inexhaustible natural resources? Answer हो जाएगा, exhaustible resources में 1 number, pressure in unlimited quantity, और inexhaustible resources में हो जाएगा 1 number में, present in limited quantity. इसमें हो जाएगा सेकेंड नंबर, नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड आइदर बाई देयर यूज और ह्यूमन एक्टिविटीज, और इसमें हो जाएगा लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड बाई ह्यूमन एक्टिविटीज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में, क्वेश्चन नंबर 10 है, वाई वाइल्ड लाइफ इज इंपॉर्टेंट टू अस। आंसर हो जाएगा, वाइल्ड लाइफ मेंटेन्स बैलेंस इन इकोसिस्टम, इट इज एन इंपॉर्टेंट फॉर रेगुलेटिंग फूड चेन एंड फूड वेव इन इकोसिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में, What is the difference between deforestation and afforestation? Answer हो जाएगा, deforestation में 1 number, cutting down of trees, afforestation में हो जाएगा, planting trees. Second number, deforestation में होगा, it causes imbalance in nature, और इसमें हो जाएगा, it maintains balance in nature. Third number, इसमें है, it causes soil erosion, और इसमें हो जाएगा, it prevents soil erosion. Next question आगे आते हैं, question number 12 में, What is GAP? और इसको explain करना है. तो आंसर हो जाएगा, GAP इज गंगा एक्शन प्लान विच वॉज इनिशिएटेड इन 1985
टू रिस्टोर द क्वांटिटी ऑफ रिवर गंगा टू रिड्यूस डोमेस्टिक लोड ऑन द गंगा एक्शन प्लान. सम ऑफ द स्कीम्स आर नंबर वन इंटरसिपेशन एंड डाइवर्शन, नंबर टू ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर, नंबर थ्री रिवर फ्रंट डेवलपमेंट और नंबर फोर है इलेक्ट्रिक क्रिमिनेटोरियम. नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में. क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट डू यू मीन बाय वाटर टेबल, व्हाई इट इज इम्पॉर्टेंट. वाटर टेबल क्या है और ये जरूरी क्यों है, इम्पॉर्टेंट क्यों है. आंसर हो जाएगा, वाटर टेबल में द लेवल ऑफ वाटर अंडर द ग्राउंड इज कॉल्ड वाटर टेबल. एडवांटेजेस क्या है, तो यहाँ पे एडवांटेजेस लिखे हुए हैं. इंस्टेड ऑफ इवोपरेशन द स्टोर्ड अंडरग्राउंड वाटर रिचार्जेस टू द वेल्स बाय स्प्रेडिंग आउट. बी है इट ऑल्सो प्रोवाइड्स मॉइस्चर फॉर वेजिटेशन ओवर ए वाइड एरिया. और सी नंबर हो जाएगा इट रिमेन्स प्रोटेक्टेड फ्रॉम कॉन्टेमिनेशन फ्रॉम एनिमल एंड ह्यूमन वेस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में. 14 नंबर है, राइट एनी थ्री स्टेप्स दैट यू वुड टेक फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ द इन्वायरमेंट. तो आंसर हो जाएगा टू डेवलप सस्टेनेबल डेवलपमेंट वी शुड डू फॉलोइंग प्रैक्टिसेस. नंबर वन सेव इलेक्ट्रिसिटी बाय स्विचिंग ऑफ द लाइट फैंस टेलीविजन एंड अदर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज व्हेन नॉट यूज नीडेड. नंबर टू है यूज एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेज. नंबर थ्री है यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट फॉर स्कूल इंस्टीड ऑफ पेरेंट्स कार. नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया था क्वेश्चन नंबर 15 में. क्वेश्चन नंबर 15 है व्हाट आर द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज डैम्स. तो आंसर हो जाएगा डिसएडवांटेजेस में नंबर ए है ओनली प्रिविलेज्ड सेक्शन ऑफ पीपल गेट मैक्सिमम वाटर ड्यू टू मिसमैनेजमेंट ऑफ कैनाल्स. नंबर बी है कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स इन्वॉल्व्स डिफॉरेस्टेशन ऑफ लार्ज ट्रीज रिजल्टिंग इन इनबैलेंस ऑफ इकोसिस्टम. और नंबर सी है पीपल क्लोज टू द सोर्स कैन ग्रो वाटर इंटेंसिव क्रॉप लाइक राइस एंड सुकर केन वेयर एज पीपल फर्दर डाउन स्ट्रीम डू नॉट ग्रो. नेक्स्ट क्वेश्चन अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में. क्वेश्चन नंबर 16 है व्हाट आर द रिजल्ट्स ऑफ चिपको मूवमेंट. तो आंसर हो जाएगा नंबर वन द चिपको मूवमेंट स्प्रेड अक्रॉस द कम्युनिटीज विच ऑल्सो ऑकेंड द मीडिया. दिस फोर्स्ड द गवर्नमेंट टू रीथिंक देयर प्रायोरिटीज बिफोर मेकिंग यूज ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज. नंबर टू है लोकल पीपुल बिलीव्ड इन द रिप्लेसमेंट ऑफ द प्लांट्स बाई कटिंग द अनवांटेड ब्रांचेज एंड प्लकिंग द लीव्स इन सच ए वे द प्लांट्स मे फाइंड टाइम टू रिप्लेनिश. नेक्स्ट आगे आते हैं नंबर थ्री में. नंबर थ्री है द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट कुड बी प्रोटेक्टेड बिकॉज द लोकल पीपुल वेयर अवेयर फॉर द फैक्ट दैट द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट ऑलवेज काउजेज लॉस ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स फॉर एवर डिग्रेड द क्वालिटी ऑफ सॉइल एंड वाटर. नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है क्वेश्चन नंबर 17 व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग. तो आंसर हो जाएगा बेनिफिट्स ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग आर नंबर वन इट रिजल्ट्स इन रिचार्जिंग ऑफ ग्राउंड वाटर हेंस वाटर इज कलेक्टेड एंड स्टोर्ड अंडरग्राउंड एंड फ्री फ्रॉम कॉन्टेमिनेशन. बी नंबर है इट नाइदर इवोपरेट्स नॉर बिकम एज मॉस्किटो ब्रीडिंग प्लेस. और सी नंबर हो जाएगा इट इज वेरी यूजफुल फॉर प्रोवाइडिंग अंडरग्राउंड मॉइस्चर टू वेजिटेशन ऑफ लार्ज एरिया स्केल. नेक्स्ट क्वेश्चन आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में. क्वेश्चन नंबर 18 है हाउ आर द वाटर रिसोर्सेज मैनेज्ड एंड कंज्यूम्ड. आंसर हो जाएगा वाटर इज मैनेज्ड एंड कंज्यूम्ड इन द फॉलोइंग वेज. नंबर ए है इंस्टॉल रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इन द हाउस फॉर फ्यूचर यूज. बी है लीकेज ऑफ वाटर इन द पाइप शुड बी रिपेयर्ड व्हेन इट कम्स इन योर नोटिस. नेक्स्ट आगे आते हैं सी नंबर में टू रिड्यूस इवेपोरेशन एंड इम्प्रूव इरीगेशन इफिशियंसी ड्रीप इरीगेशन एंड स्प्रिंकलिंग मे बी प्रैक्टिस्ड. डी नंबर है रिड्यूस डोमेस्टिक वाटर वेस्टेज एंड ट्राई टू रिसाइकिल द वाटर एट द हाउस. ई नंबर है रिड्यूस वाटर वेस्टेज इन इंडस्ट्री बाई रिसाइकिलिंग द यूज वाटर. नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को. 19 नंबर है व्हाट आर द प्रॉब्लम फेस्ड बाई कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज डैम्स. डिसएडवांटेजेस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज डैम्स आर ए नंबर ओनली प्रिविलेज्ड सेक्शन ऑफ पीपल गेट मैक्सिमम वाटर ड्यू टू मिसमैनेजमेंट ऑफ वाटर ऑफ कैनाल्स. बी नंबर है कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स इन्वॉल्व्स डिफॉरेस्टेशन ऑफ लार्ज ट्रीज रिजल्टिंग इन इम्बैलेंस इन इकोसिस्टम. और सी नंबर है पीपल क्लोज टू रिसोर्स कैनल ग्रो वाटर इंटेंसिव क्रॉप लाइक राइस एंड शुगर केन वेयर एज पीपल फर्दर डाउन स्ट्रीम टू नॉट गेट एनी वाटर. अब नेक्स्ट क्वेश्चन आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में. क्वेश्चन नंबर 20 है व्हाट आर द फैक्टर्स टू चेक द क्वालिटी ऑफ वाटर.
आंसर हो जाएगा टू चेक द क्वालिटी ऑफ वाटर सर्टेन मेजरेबल फैक्टर्स आर ऑलवेज फॉलोड। ए नंबर टोटल कॉलिफॉर्म काउंट। इन ह्यूमन इंटेस्टाइन्स ए ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया कॉल्ड कॉलिफॉर्म आर फाउंड। व्हेन द बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन वाटर इट इज एज्यूम्ड दैट वाटर इज कॉन्टिमिनेटेड बाई डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट आगे है बी नंबर पीएच ऑफ वाटर। इफ वाटर इज हाईली एसिडिक और बेसिक इट सेड टू बी पॉल्यूटेड। सी नंबर हैवी मेटल्स एंड पेस्टिसाइड्स अमाउंट ऑफ हैवी मेटल लाइक कॉपर लेड जिंक ईटीसी एंड पेस्टिसाइड्स प्रेजेंट इन वाटर इंडिकेट्स पॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है क्वेश्चन नंबर 21। व्हाट चेंजेस कैन यू मेक इन योर हैबिट्स टू बिकम मोर इन्वायरमेंट फ्रेंडली। आंसर हो जाएगा ए नंबर में प्लांट वन ट्री एवरी बर्थडे। बी नंबर स्टॉप यूजिंग पॉलिथिन बैग्स। सी नंबर स्विच ऑफ अननेसेसरी लाइट्स एंड फैंस। डी नंबर टेक बस इंस्टेड ऑफ पर्सनल व्हीकल्स। ई नंबर यू सी एफ एल इन प्लेस ऑफ बल्ब्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। व्हाई रेन हार्वेस्टेड वाटर स्टोर्ड अंडरग्राउंड हैज मैनी एडवांटेजेस। गिव एनी थ्री एडवांटेजेस। आंसर हो जाएगा तीन एडवांटेजेस यहाँ पे लिखना है। द वाटर स्टोर्ड अंडरग्राउंड डज नॉट इवोपरेट। सेकेंड नंबर द वाटर स्टोर्ड अंडरग्राउंड परकोलेट्स विच इंटर्स द वाटर टेबल एंड रिचार्ज ग्राउंड वाटर सोर्सेज। और थर्ड नंबर द वाटर स्टोर्ड अंडरग्राउंड इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम कॉन्टेमिनेशन बाई ह्यूमन एंड एनिमल वेस्ट एंड ऑल्सो डज नॉट प्रोमोट ब्रीडिंग ऑफ पेस्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23 को। क्वेश्चन नंबर 23 है व्हाट कैन यू डू एज एन इंडिविजुअल टू कंजर्व वाटर। आंसर हो जाएगा टू कंजर्व द वाटर आई कैन अडॉप्ट सम चेंजेस इन माई हैबिट्स वाइल ड्यूरिंग माई रूटीन वर्क। नंबर वन यूजिंग बकेट फॉर बाथिंग इंस्टेड ऑफ टेकिंग सोवर बाथ। सेकेंड नंबर कफिंग डाउन द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू टैप वाइल ब्रशिंग टीथ और वॉशिंग फेस हैंड्स ईटीसी। नंबर थ्री वेस्ट वाटर आफ्टर वॉशिंग फ्रूट्स वेजिटेबल्स ईटीसी विल बी यूज इन वाटरिंग प्लांट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 24 में। 24 नंबर Why are environmentalists insisting upon sustainable natural resource management? Give any four reasons. Answer हो जाएगा A number, non-renewable resources are limited. We should use them judiciously. B number We should encourage the use of renewable resource. C number We should preserve the environment for future generation. Or D number The benefits of the controlled exploitation should go to local people. Please like, share and subscribe my channel. Thank you.